हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रुतबा खान किचन। अगर आपने मेरे चैनल रुतबा खान किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू की चाट, स्ट्रीट फूड। आलू की चाट बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 5 आलू। इसको हमने कुकर में डालकर एक सीटी लगा ली है। 200 ग्राम हमने ले लिया है पालक। इसको हमने डंडी तोड़कर अच्छे से साफ कर लिया है और धो लिया है। और लिया है हमने साबुत खटाई 50 ग्राम। इसको हमने बॉईल कर लिया है। 4 हरी मिर्ची ले ली है हमने। थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियां ले ली हैं। 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया है। 1 नींबू लिया है। हींग और मसालों में हमने लिया है 1/2 टीस्पून काला नमक ले लिया है। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर ले लिया है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है। 1/2 टीस्पून सेंधा नमक। 1/2 टीस्पून ज़ीरा साबुत। 10-12 काली मिर्च ले ली हैं। 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स ले लिया है। पहले हम अपना मसाला रोस्ट कर लेंगे। मसाला हम ज़ीरा लेंगे मसाले में, काली मिर्च। इसको हम रोस्ट कर लेंगे। हमने ज़ीरा और काली मिर्च को रोस्ट कर लिया है। और इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक, काला नमक, वाइट नमक और इसको कूट लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, 2 इंच, और इसका पाउडर बना लेंगे। हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक मिक्सर का जार ले लेंगे और इसमें डालेंगे पालक चटनी बनाने के लिए, हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक, खटाई डाल देंगे, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसे बंद कर पीस लेंगे। हमारी चटनी बारीक पीस चुकी है। अब हम इसे छोंक लेंगे। हमने एक पैन ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करना है इसमें और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है अच्छे से। तो इसमें ऐड करेंगे हींग, 2-3 पिंच हींग ऐड करनी है। और फिर डालेंगे इसमें चटनी। स्लो फ्लेम कर लेंगे हम और स्लो फ्लेम पर अपनी चटनी 5 मिनट पका लेंगे। हमने चटनी को 5 मिनट पका लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्ची, थोड़ी सी पिसी हुई खटाई और मिक्स कर लेंगे। हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम अपने आलू सेक लेंगे। आलूओं को हमने छील लिया है और इसे काट लेंगे 4-4 पीसेस में। आलू सेकने के लिए हमने तवा रख लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। हमें थोड़ा सा ही ऑयल डालना है ताकि हमारे आलू चिपके ना। अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे आलू लगा देंगे।
आलूओं को चारों तरफ से सेक लिया है, ये तैयार हो चुके हैं। अब हम अपनी चाट बना लेंगे। अब हम डालेंगे आलू में चटनी। और ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी, हमने बारीक बारीक प्याज काट ली थी। थोड़े टमाटर हमने बारीक बारीक काट लिए थे। और हमने जो मसाला बनाया था वो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा नींबू, हमारी स्ट्रीट फूड आलू की चाट बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें।